गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज क्या स्टडी करने वाले हैं? नेशनल बर्ड एंड आवर नेशनल फ्लावर। नेशनल बर्ड क्या है? पिकॉक। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने पिकॉक को ड्रॉ किया हुआ है। शेप क्या होता है? तो ब्लू एंड ग्रीन कलर इसमें दिखता है। एंड इसके नेक क्या होते हैं? लॉन्ग नेक होते हैं। फीदर्स इसकी वेरी ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग फीदर्स होते हैं। और जब भी इसको डांस करना होता, होपिंग करनी होती है, मतलब जंपिंग करनी होती है, तो अपने फीदर्स को क्या करते हैं? फैला लेते हैं। इसको प्रतीक माना जाता है किसी चीज़ का, खूबसूरती का, ग्रेस का एंड हैप्पीनेस का, खुशियों का। तो ये हमारा क्या किया गया है, इसीलिए इसको सिंबलाइज करने के लिए हमने नेशनल बर्ड के रूप में इसको चुना था। एंड हमने मीन्स जिसने भी इसको क्या किया, नेशनल बर्ड स्वीकार किया उन्होंने। और नेक्स्ट हमारा क्या है? लोटस, जो कि हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर है। ओके, कहाँ खिलता है? तो मडी एरियाज, कीचड़ में खिलता है, पॉन्ड्स में, जहाँ पे थोड़ी सैलो वाटर होती है, तो वहाँ पे इस तरह ये खिलता है। ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तो ये नॉलेज, आपको पता है, ये देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है जब पूजा पाठ होते हैं, तो ये सिंबलाइज करता है ज्ञान को, सच्चाई को, और सच ज्ञान पावर्स ये हमको बताता है। इसको सिंबलाइज करने के लिए लोटस हमारे नेशनल फ्लावर के रूप में चूज़ किया गया है। ओके, तो ये दोनों आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हमारा नेशनल बर्ड कौन है? पिकॉक। एंड नेशनल फ्लावर इज लोटस। पिकॉक किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? ग्रेस को, हैप्पीनेस को एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब खूबसूरती को ये सिंबलाइज करता है। एंड ट्रूथ और नॉलेज को ये हमारा लोटस सिंबलाइज करता है। तो इस तरह से ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एक और बचा है, नेशनल एनिमल। एंड जो पूरे चैप्टर्स में आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, मीन्स क्विक रिवीजन वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।